तकराजा मंदिर को देवस्थान में शामिल करने की मांग। राजसमंद जिले के कुरुज के गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों ने गांव में स्थित तकराजा मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मंदिर के नाम दर्ज आराजी संख्या 871 देवस्थान के नाम दर्ज कराने की मांग की है। तकराज कुंवर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मांगीलाल गायरी ने बताया कि 80 साल से अधिक समय से गाँव में तकराज मंदिर है, जिसमें मेवाड़ संभाग के लोगों की आस्था है और यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन भी होते हैं। लेकिन गाँव के कुछ उपद्रवी लोग अब मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और यहां अव्यवस्था न रहे, जिन पर अंकुश लगाया जाए, साथ ही इस मंदिर के विकास के लिए देवस्थान विभाग के अधीन लाया जाए। उधर भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष राधा रानी ने बताया कि मंदिर पहुंचने वाले कच्चे रास्ते पर कीचड़ और पानी जमा है, इसके बावजूद ग्रामीण आस्था के चलते कीचड़ से भी मंदिर तक पहुँच रहे हैं। ऐसे में रास्ते को सही करवाया जाए और मंदिर का विकास करवाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। सर, हमने ताकराज कुंवर का ट्रस्ट बना हुआ है, बाबा जी का स्थान है पुराना और 180-90 साल से पुराना स्थान है। वहाँ बाउंड्री अपने बना रखा है, रोकड़ा वृक्ष लगा रखा है, एक टीन सेट बना हुआ है और चारों तरफ रोकड़े बने हुए लगे हुए हैं, जिसमें बाबा जी का स्थान है देवस्थान, जिसने तहसीलदार साहब ने नोटिस दिया कि भाई सराय हटाया जाए, वो हिसाब से हम ज्ञापन देने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए। हमने ये मांग रखी है सर, एक तो देवस्थान के नाम पे भूमि करे, आवंटित करे और जो भी शिकायत करते फालतू उनके साथ खिलाफ कार्रवाई कराओ। में एक देवस्थान है ताकाजी बाऊजी का, वो कम से कम 80-90 साल पुराना है और उसमें पूरे गांव की ही नहीं, आसपास के उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर तक से वहाँ पे यात्री आते हैं और एक छोटा सा टीन शेड बना हुआ है, रात बिरात वो वहाँ पे रुकते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं और वहाँ पे कुछ उत्पादित तत्व ऐसे हैं जो यहाँ से वो टीन शेड भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रात बिरात आके वहाँ पे 1000-500-700 पौधे लगा रखे हैं, उनको भी उखाड़ उखाड़ के रात को आके फेंक देते हैं, तो पूरे गाँववासी बहुत परेशान हो चुके हैं उन उत्पादित तत्वों से। तो हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि उन ऐसे उत्पादित तत्वों से हमारी रक्षा की जाए और वहाँ पे जो सराय चल रही है उसका विकास होना चाहिए, क्योंकि लोगों के आस्था का है और नई चीज़ है नहीं कि उसको मठा दे मंदिर को, तो नहीं तो सबकी आस्था टूट जाएगी। तो हम और एक जो अपने वहाँ पे ताकाजी बाबूजी से रास्ता जा रहा है तो उसमें ना मतलब घोड़े तक नाली का गंदा पानी भर जाता है, तो रास्ता भी थोड़ा सही हो जाए तो यात्रियों को आने वालों को दिक्कत नहीं होगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। सरपंच पति द्वारा अवैध तरीके से पट्टे काटने का विरोध, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत लांबोड़ी के गांव टाडावाड़ा सोलंकियान में सार्वजनिक हित की आबादी भूमि में सरपंच पति द्वारा अवैध तरीके से पट्टे काटने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि पूर्व सरपंच द्वारा 2017-18 में इस भूमि को आबादी में करवाया था। उक्त भूमि को आबादी में सामुदायिक भवन यात्री प्रतीक्षालय के उपयोग हेतु करवाया था, लेकिन वर्तमान सरपंच पति मुकेश सिंह द्वारा सार्वजनिक आबादी भूमि को गांव के लोगों की सहमति के बाद जाकर उस जमीन को बेचा जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सार्वजनिक जगह पर जारी किए पट्टों को निरस्त करवाने की मांग की। बताया कि सार्वजनिक जगह को यात्री प्रतीक्षालय और सामुदायिक भवन के लिए काम में लिया जाएगा। अलंकरण समारोह में देशभक्ति गीतों पर दी प्रस्तुतियां। सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति अशोक टांग, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिद्धार्थ दीप थे। अतिथियों का स्वागत भारतीय परंपरा अनुसार बैंड की मधुर धुन के साथ किया गया। संस्था प्रधान फादर जॉनी मैथ्यू ने तथा अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण, परेड निरीक्षण, परेड सलामी के बाद दीप प्रज्वलन
किया गया। साथ ही इस वंदना के साथ हेड बॉय भानु प्रताप, हेड गर्ल इविश जैन, दल नायकों, अनुशासन प्रभारियों के साथ सभी कक्षा के मॉनिटर को बेच द्वारा अलंकृत करते हुए शपथ दिलाई। सभापति अशोक टांक ने नव शैक्षणिक सत्र में छात्रों को विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को जुझारू बनकर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। नेशनल हाईवे पर पौधरोपण किया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में 75 पीयूष पर पौधरोपण का कीर्तिमान बनाया है। इस अभियान का आगाज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से किया। उदयपुर संभाग में इस अभियान का समापन देर शाम निगड़िया टोल नाके पर हुआ। उदयपुर जोन में इस अभियान के तहत 5700 से अधिक पौधरोपण किया गया है, जिन्हें जियो टैगिंग कर ऑनलाइन किया गया। NHAI के उदयपुर जोन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकेश राजपुरोहित ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर में पौधरोपण किया जा रहा है। सभी पौधों को जियो टैगिंग से जोड़ा गया है, जिनकी ऑनलाइन जानकारी विभाग के ऐप के जरिए ली जा रही हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह पहल की है, जो सराहनीय है। वहीं उदयपुर श्रीनाथ टोलवे मैनेजर अरविंद सिंह ने बताया कि उन्हें 1000 पौधे का लक्ष्य दिया गया है, जो वह पूर्ण करेंगे। ये आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात रही कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से हमें 1000 पौधा लगाने के लिए बोला गया था और हमने 1150 पौधे लगाए हैं पूरे हाईवे पे, और हमने उनकी जियो टैगिंग भी करा रखी है। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यावरण को बचाएं, जिससे हम सभी लोग सुरक्षित रहें। अभी एक आपदा हमसे गुजरी है 1 साल पहले, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सारे लोग पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा करें, देखभाल करें। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आज हमने एक टारगेट अचीव किया, जिससे बहुत अच्छा हमें गर्व महसूस हो रहा है। NHAI ने अपने पूरे इंडिया के अंदर 75 PIUs को, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट्स को सेलेक्ट किया और उनके अंतर्गत चल रहे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर हमें प्लांटेशन का टारगेट दिया गया। यहाँ उदयपुर के जो 5-6 जिलों का हमारा जुडिक्शन है, उदयपुर PIU के जुडिक्शन में हमने 5700 पेड़ लगाने का टारगेट लिया। माननीय मंत्री महोदय गडकरी जी ने नागपुर में शुरू की, हमारे चेयरमैन मैडम और मेम्बर साहब ने भी जगह जगह अपना प्लांटेशन करके अपना प्रतिनिधित्व दिया। उदयपुर गोमती प्रोजेक्ट में 1000 पौधे लगाने का आज टारगेट था, जिसमें हम 1000 से अधिक 1150 पौधे लगा चुके हैं और जियो टैगिंग कम्प्लीट हो चुका है। सो एक तरह से एक पर्यावरण को डेडिकेटेड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक बहुत बड़ा महाअभियान आज एक दिन में एक साथ इतने पौधे लगाकर समर्पित किया गया। प्रज्ञा विहार में 28 तप के उपलक्ष्य में अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न। प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू ऐसा के सानिध्य में 53 सभा कांकरोली की ओर से पुष्पा देवी बापना पत्नी हस्तिमल बापना की धर्मपत्नी के 8 दिन की तपस्या यानी 28 तप के उपलक्ष्य में तप अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। पुष्पा देवी ने पूर्व में भी मास खमण 21 दिन की तपस्या की। धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी मंजू ऐसा ने बंधन टूटे वंदन से कहा कि भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भव्य वंदना से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, दो प्रकार से वंदना की जाती है, द्रव्य वंदना एवं भाव वेदना। त्यागी संतों को भावपूर्वक पवित्र मन से वंदन करने से उच्च गोत्र का बंधन होता है और नीचे गोत्र का लक्ष्य क्षय होता है। वंदना या अभिवादन नहीं कर सकता जिसके भी श्रद्धा भक्ति के भाव एवं विनम्रता होती है। विनयवान व्यक्ति ही बड़ों को, गुरु को, साधु संतों को अभिवादन कर सकता है। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएँ मौजूद थे। सड़क पर खड़ी गायों के गले में रेडियम पट्टियां लगाई। ब्रासमत बिलवड़ा राजमार्ग पर सड़क के आसपास खड़े रहने वाले आवारा मवेशियों के गलों में रेडियम पट्टी बांधने का कार्य किया गया। कुंवरिया थाना प्रभारी लालूराम जाट व रूपा खेड़ा टोल कर्मचारियों द्वारा रात्रि के रूट अधिकारी हरिराम व पुलिस प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन के पास पहुँची, जहाँ पर 1 दर्जन से अधिक मवेशी खड़े थे। वहाँ पर उनके गले में रेडियम की पट्टी बांधी गई ताकि सड़क पर चलने वाले वाहनधारियों के साथ कोई हादसा नहीं
नहीं हो। वहीं थानाधिकारी जाट ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों को बुलाकर आवारा मवेशियों की पहचान करवाई। उन्होंने सभी ग्रामीणों से कहा कि आप अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ें। आवारा मवेशी कई बार हाईवे पर आ जाते हैं जिससे हादसे हो जाते हैं। रूपाखेड़ा टोल नाके के कर्मचारियों एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त तत्वावधान में दुर्घटना में कमी लाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। थानाधिकारी जाट ने बताया कि सर्कल के मादली से लेकर टपरिया खेड़ी तक जगह जगह मवेशियों के गले में रेडियम बांधा गया। मंदिर से चोरी करते चोर को पकड़ा। शहर के दोइंदा क्षेत्र में मालनिया चौक स्थित चावंडा माताजी मंदिर के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास करते एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात करते हुए पड़ोसियों की जाग होने के कारण आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी जिस पर कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंच गई और बदमाश को पकड़ लिया। रात्रि करीब 2 बजे लाल चौकी इलाके में चामुंडा माताजी का मंदिर पर एक व्यक्ति ताला तोड़ रहा था, तभी पड़ोसियों ने उसे देख लिया और लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने कांकरोली पुलिस को सूचना दी जिस पर कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ की। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम जगदीश कुमावत बताया और वह दोइंदा का रहने वाला है। साथ ही लोगों ने पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। इसके बाद कांकरोली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कांकरोली थाने ले गए। बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में बताया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजनगर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं इनाया फाउंडेशन की ओर से बालिकाओं को समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो के माध्यम से गुड टच बैड टच बालिका सुरक्षा हेल्पलाइन कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य कमलेश कालिया ने बताया कि कार्यक्रम में ADM रामचरण शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी सुषमा बाणावत, नारायण सिंह चुंडावत, इनाया फाउंडेशन के नितिशा शर्मा ने बालिकाओं को सहज एवं सरल तरीके से समझ स्पर्श चुप्पी तोड़ो के माध्यम से गुड टच टच पॉक्सो एक्ट, बालिका सुरक्षा हेल्पलाइन आर्टिकल 356, बाल विवाह उन्मूलन एवं अन्य सरकारी पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र लड्डा ने किया। कार्यक्रम में राजसमंद ब्लॉक की कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत 5-5 बालिकाओं ने एवं स्थानीय विद्यालय की समस्त बालिकाओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में सहयोग जयपुर से आए रोहित शर्मा, अर्पण भट्ट ने किया। इनाया फाउंडेशन के चेयरमैन पर्सन नितिशा शर्मा ने बताया कि बेटियों की सुरक्षा एवं स्वाभिमान जैसे संवेदनशील सार्थक विषय को लेकर झालावाड़ जिला प्रशासन द्वारा झालावाड़ की भूमि से 2018 से कार्य प्रारंभ किया जिसे नाम दिया गया गुड टच बैड टच समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो। विभिन्न स्कूलों एवं कई गाँवों में जाकर बच्चों को सही व गलत की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कठपुतली नाटक, PPT, वीडियो संगीत, नारे, शपथ, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से बालिकाओं को जागरूक किया।